माता के बाद हम आगे एक और वाटरफॉल देखने गुच्छू बनी यानी कि रॉबर्ट्स केव। देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा फेस इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। और रॉबर्ट्स केव बेसिकली ऐसा है कि किसी ज़माने में जो चोर लुटेरे होते थे अपना सामान यहाँ गुफाओं में छुपा देते थे झरने में और कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। अभी ये जगह है कि हम लोग यहाँ पे घूमते हैं, अंदर बहुत सारी केव्स हैं तो हम लोग मज़े करेंगे, देखते हैं क्या है केव्स वगैरह में और कितना पानी है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 35 रुपीज़ की, 4 साल से बड़े लोगों की सबके लिए। तो चलिए एंट्री टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो ले लिया है मैंने टिकट जो कि 35 रुपीज़ का है और ऐसे येलो कलर की पर्ची है। और अब हमें ये ऐसे अजीब सी शक्ल वाले आदमी के मुंह में जाना है जहाँ से शुरू होती है हमारी रॉबर्ट्स केव। तो यहाँ पर एंटर होते ही थोड़ा थोड़ा पानी दिखना शुरू हो गया है और पानी का प्रेशर तो सही है। और यहाँ पर बच्चों के झूले वूले भी लग रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, सही मज़े करेंगे। खाने पीने का भी यहाँ पर है, तो चलिए चलते हैं और करते हैं इंजॉय। तो इस घूम रहे हैं गुच्छू पानी में, आधा आधा पानी है बस। और यहाँ पर ये ऐसी गुफाएं बनी हुई है जिनके बीच में ये पानी रुका हुआ है, तो ये एकदम अलग सा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है। गुच्छू पानी अगर आप जा रहे हो तो कपड़े और चप्पलों की टेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पर 10-10 रुपये में रेंट पे आराम से चप्पलें और कपड़े मिल जाते हैं। चेंजिंग रूम में 10-10 रुपये में आराम से मिल जाता है। अच्छी खासी लंबी गुफा है ये और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा संकरी हो रही है और आप देख सकते हैं पत्थरों से और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। और भीड़ बहुत सारी है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, पर भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पे। और गुच्छू पानी में जो पानी का स्रोत है वो है यहाँ के झरने और जो ये पत्थर हैं गुफा के सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें से भी पानी निकल रहा है। और आप देख सकते हैं ये कैसे करके निकल रहा है ये पानी, साथ साथ यहाँ पर बहती है बरसाती नदी जिसे कहते हैं टॉम्स रिवर। भीड़ देखो यहाँ पे, और यहाँ पर ऊपर ऐसे कैंटीन बनी हुई है और ये गुफा में से हम आए हैं। भीड़ अच्छी खासी है और अब हम गुफा बहुत छोटी हो रही है और इसमें हमें जाना है। तो गाइस हम गुफा के अंदर और यहाँ पर ही ऐसे झरना बह रहा है और लोग बाग नहा रहे हैं। बाहर निकल के यहाँ पर ऐसे ही ऊपर चढ़ने का है और ऊपर एक और चढ़ना है। तो अभी हमें जाना है ऊपर, ये लोग खाए गए हैं तो बाहर चलते हैं। तो एक उधर से चढ़ने के बाद यहाँ पर ये कैंटीन है और अभी यहाँ से चढ़ना है। ये पकड़ लोगे? थैंक यू। तो गाइस प्रॉपर गुफा में से निकल के हम आ रहे हैं, पूरा तरीके से गुफा बनी हुई है, पानी वानी बीच में है, स्लिपरी हो रही है, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, बहुत शोर आ रहा है, पानी का भी शोर है और वैसे लोगों का भी शोर आ रहा है। तो अलग ही एक्सपीरियंस है। रास्ता और अब पानी कम हो गया यहाँ पर, बट गुफाएं बढ़िया हैं भाई, कसम से मज़ेदार। तो चलिए चलते हैं, मज़ा आ रहा है इन गुफाओं में चलने में। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर आप एजेड हैं या बच्चे हैं तो ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, नीचे झरने वरने में इंजॉय कर सकते हैं, कैंटीन में बैठ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और
कंफर्टेबल है तो आराम से ऊपर चढ़िए, देखिए इंजॉय कीजिए, गुफाएं देखिए प्रॉपर, मतलब नेचुरल गुफाएं हैं और ना अपनी प्योर फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ काट रखी हैं डॉल, आपको पूरे ऐसे पत्थरों वत्थरों पे चलना है और ये दम, और ऐसे इन्होंने एरो लगा रखे हैं जैसे आपको उधर दिख रहा होगा। और जगह जगह पे ऐसे खाने पीने की ना स्टॉल्स बनी हुई है, जितना लास्ट तक जाओगे उतनी शांति रहेगी और उतना अच्छा मज़ा आने वाला है। नीचे ना फालतू का बहुत शोर मचा रहे लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऊपर आओगे तो ही सही है। तो जगह जगह से गुफा बंद है, जगह जगह से खुली है, आप ऊपर पहाड़ देख सकते हो और ये पानी। पानी की स्पीड तो बहुत अच्छी है बट बह रहा है तो सीधा सीधा निकले जा रहा है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि पानी भरा हुआ है, ज़्यादा पानी है, पानी बिल्कुल नॉमिनल सा पानी है। बीच में झरने हैं तो वो भी बहुत स्पीड में है, बहुत प्रेशर में पसे, सही है। बाकी झरना वरना तो बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ के टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे ओपन हो जाती है, रात के 8 बजे तक ओपन रहती है, तब तक पूरे 10 घंटे यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर आने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, ओला उबर से भी आप आराम से देहरादून करने से आ सकते हो। हमसे हम घंटा घर से ओला वाले ने कैब वाले ने 260 रुपये लिए थे, ये डिपेंड्स कि आपसे कितने लेते हैं। और 35 रुपीज़ की यहाँ पर टिकट लगी थी। और देखिए यहाँ पे ना इसे ये टाइगर बना रखा है यहाँ पे पेंट वेंट करके। और उधर देखिए एक ना कैंटीन है, तो इस टाइप की ना जो पानी के बीच में कैंटीन्स बनी हुई है जहाँ पे आप बैठ के आराम से चाय कॉफ़ी मैगी ठंडा ये सब इंजॉय कर सकते हो। और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, देहरादून आ रहे तो श्रेयस भारा की जगह आप यहाँ पर भी आ सकते हो।